जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई का लेटेस्ट सर्कुलर, सर्कुलर नंबर 164, जो कि आज ही के दिन इश्यू है 6 अक्टूबर 2021। इस सर्कुलर में कई सारी सर्विसेज है जिसके ऊपर सीबीएसई ने क्लियरिफिकेशन दिया है कि पर्टिकुलर जो सर्विसेज है उसके ऊपर जीएसटी का कौन सा रेट लगेगा, या तो कोई सर्विस के ऊपर अगर एग्जेम्पशन अवेलेबल है तो वो एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो है वो है सप्लाई ऑफ आइसक्रीम बाय आइसक्रीम पार्लर। ये वाला जो है वो सभी को रीड करना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो आइसक्रीम पार्लर वाले आपके पास कई सारे क्लाइंट हो सकते हैं, या तो आप खुद भी आइसक्रीम पार्लर चला रहे होंगे। तो ध्यान से वीडियो को सुनना। स्टार्ट करते हैं पहली सर्विस जो मेंशन की गई है। थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूं ताकि आपको भी सही से दिखे। ओके, ये राइट है। सर्विसेज बाय किचन, सॉरी क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन, ये जो कंसेप्ट है ये भी काफी पॉपुलर हो चुका है अभी इंडिया में। तो इसके लिए भी काफी सारा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, हम उसे रीड नहीं करेंगे। डायरेक्टली जो कंक्लूजन है वहां पर आते हैं। Accordingly, as recommended by the council, it is clarified that service provided by way of cooking and supply of foods by cloud kitchen, central kitchen are covered under restaurant services as defined in notification number 11/2017, central tax or attract 5% GST without input tax credit. तो cloud kitchen या तो central kitchen की जो service है उन्होंने उनको restaurant में कवर कर लिया है, ऑब्वियसली करना चाहिए, ये लॉजिकल सही है। और 5% जो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट है वो ले सकते हैं। अगला है सप्लाई ऑफ आइसक्रीम बाय आइसक्रीम पार्लर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी छोटा है और काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। सप्लाई ऑफ आइसक्रीम बाय आइसक्रीम पार्लर रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड रिक्वेस्टिंग फॉर क्लियरिफिकेशन रिगार्डिंग सप्लाईज प्रोवाइडेड इन एन आइसक्रीम आउटलेट। आइसक्रीम पार्लर सेल ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम एंड दे डू नॉट हैव अ कैरेक्टर ऑफ रेस्टोरेंट। आइसक्रीम पार्लर डू नॉट एंगेज इन एनी फॉर्म ऑफ कुकिंग एट एनी स्टेज, वेयर एज रेस्टोरेंट सर्विस इन्वॉल्व्स एस्पेक्ट ऑफ कुकिंग प्रिपेयरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। द सप्लाई ऑफ आइसक्रीम पार्लर स्टैंड्स ऑन डिफरेंट फुटिंग देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। Their activity entails supply of ice cream as goods, that is a manufactured item and not as a service, even if certain ingredients of service are present. अब इनका ये कहना है कि जो ice cream है वो already manufactured है, वहाँ पे आप कोई ice cream cooking नहीं कर रहे हो, और जबकि जो restaurant service होता है उसमें क्या होता है, cooking होता है, बनता है, उसके बाद में food जो food है उसे serve किया जाता है, but ice cream के case में ऐसा नहीं है। आइसक्रीम को एज अ गुड्स देखा जा रहा है, एज अ सर्विस नहीं देखा जा रहा है। फिर आगे लिखते हैं, अकॉर्डिंगली एज रिकमेंडेड बाय द काउंसिल इट इज क्लियरिफाइड दैट वेयर आइसक्रीम पार्लर सेल ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम एंड डू नॉट कुक प्रिपेयर आइसक्रीम फॉर कंजम्पशन लाइक रेस्टोरेंट, इट इज सप्लाई ऑफ आइसक्रीम एज गुड्स एंड नॉट एज अ सर्विस, इवन इफ द सप्लाई हैज सर्टेन इंग्रेडिएंट ऑफ सर्विसेज। Accordingly, it is clarified that ice cream sold by parlor or any similar outlet would attract GST at the rate of 18%. तो ice cream parlor वालों को 18% का GST लगेगा, 5% का GST जो है without ITC वो नहीं लगेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है, उन्होंने कहा है कि जो लोग ice cream prepare नहीं करते या cook नहीं करते, सिर्फ उन लोगों को cover कहा है, cover किया है, और कहा है कि इवन थोड़ा बहुत सर्विस का पोर्शन होगा तो भी, बट बहुत सारे आइसक्रीम पार्लर आपको ऐसे भी मिलेंगे जहां पे आइसक्रीम के अलावा जूस वगैरह जो होता है उसे प्रिपेयर किया जाता है, इंग्रेडिएंट भी लाते हैं वहीं पर बनाते हैं, तो उसको किसकी कैटेगरी में रखा जाएगा। अब हाल फिलहाल सर्कुलर को देखते हुए मुझे लगता है वो आइसक्रीम पार्लर की कैटेगरी में ही आना चाहिए, बट ये डिबेटेबल इश्यू है। इसके ऊपर AAR के लिए किसी ने, एडवांस अथॉरिटी के लिए किसी ने एप्लीकेशन करनी चाहिए जिनके पास ये क्लाइंट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि फिर हमें 18% का जीएसटी रेट जो है वो लगाते रहे सारी सर्विसेज के ऊपर।
बट एज ऑफ नाउ विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्क्यूलर हम यही कहेंगे कि भाई आइसक्रीम पार्लर के अंदर ही वो लोग भी कवर हो जाएंगे जो जूस वगैरह या थोड़ा बहुत प्रिपेयर करते हैं वो। अगला है कोचिंग सर्विसेज सप्लाई बाय कोचिंग इंस्टीट्यूशन एंड एनजीओज अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटीज। अब जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्कीम निकालती है कि भाई स्कॉलरशिप मिलेगी स्टूडेंट को जो डिसेबल है, तो वैसे कोचिंग सेंटर्स या एनजीओ उनको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, एग्जेम्पशन की कैटेगरी में वो कवर हो जाएंगे और जीएसटी नहीं लगेगा। सैटेलाइट लोन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनएसआईएल, तो ये ऐसे क्लाइंट हमारे पास होंगे नहीं है, तो आपके पास भी नहीं होंगे इसलिए मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ। फिर जीएसटी टोल प्लाजा, टोल प्लाजा कितने बड़े क्लाइंट अपने पास तो रहेंगे नहीं, जिनके पास रहेंगे वो हमारा वीडियो नहीं देखेंगे इसलिए इसे भी छोड़ देते हैं। रेंटिंग ऑफ व्हीकल टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग इन लोकल अथॉरिटीज, ये हो सकता है आपके पास क्लाइंट हो क्योंकि ये जनरली लोकली होता है इसलिए। अब इसमें भी काफी सारा दिया गया हुआ है एक्सप्लेनेशन, हम उसे पूरा रीड नहीं करेंगे, जो फाइनल कंक्लूजन है उसे रीड करते हैं। द इश्यू वॉज प्लेस बिफोर 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड ऑन 17th सितंबर 2021। As recommended by the GST Council, it is clarified that expression giving on hire in serial number 22 of notification 12/2017 includes renting of vehicle. Accordingly, services where the said vehicle are rented or given on hire to state transport undertaking or local authorities are eligible for the said exemption irrespective of whether such vehicle are run on route टाइमिंग एट डिसाइड बाई स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग और लोकल अथॉरिटी एंड अंडर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग और लोकल अथॉरिटी विच डिटरमाइन द रूल्स ऑफ ऑपरेशन और प्लेइंग द व्हीकल। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं कि भाई जीएसटी काउंसिल ने कह दिया है कि लोकल अथॉरिटी या स्टेट ट्रांसपोर्ट में व्हीकल जो दिया जाता है हायरिंग मतलब रेंट के ऊपर, उस केस में एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलेगा इररिस्पेक्टिव के भाई उसका जो इफेक्टिव कंट्रोल है गाड़ी का व्हीकल का वो किसके पास रहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइमिंग रूट डिसाइडेड बाय द स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग और लोकल अथॉरिटी, यानी कि यहाँ पर एग्जेम्प्ट सर्विसेज में वो कवर होगा। अगला है सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन माइनिंग राइट्स, तो इसे भी मैं अभी छोड़ देता हूँ क्योंकि ये इतना बड़ा आपके और मेरे पास इतना कोई क्लाइंट होगा नहीं। आगे एडमिशन टू इंडोर एम्यूजमेंट पार्क हैविंग राइड्स, ये डिस्कस कर लेते हैं, इसमें भी काफी सारा दिया गया है बट हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसे ही डिस्कस करते हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल इट इज क्लियरिफाइड दैट 28% रेट अप्लाइज ऑन एडमिशन टू अ प्लेस हैविंग कैसिनो और रेस क्लब इवन इफ इट इज प्रोवाइड सर्टेन अदर एक्टिविटीज और एडमिशन टू स्पोर्टिंग इवेंट लाइक आईपीएल। सो जहाँ पे कैसिनो हो, रेस क्लब हो या स्पोर्टिंग इवेंट जहाँ पर जैसे कि आईपीएल हो, वहां पर 28% का जो रेट लगेगा। बट ऑन द अदर एंड एंट्री नंबर 34.3 हैविंग अ रेट ऑफ 18% कवर ऑल अदर केस ऑफ एडमिशन टू अम्यूजमेंट पार्क और थीम पार्क एटसेट्रा और एनी प्लेस हैविंग जॉय राइड्स मेरी गुड मेरी गो राउंड गो कार्टिंग एटसेट्रा वेदर इंडोर और आउटडोर। सो लॉन्ग एज नो एक्सेस इज प्रोवाइडेड टू कैसिनो और रेस क्लब दिस क्लियरिफिकेशन विल ऑल्सो अप्लाई टू एंट्री नंबर 34.3 and 3A एज दे एग्जिस्टेड प्रायर टू देर अमेंडमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 October 2021। तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है जहां पर कैसिनो रेस क्लब या स्पोर्टिंग इवेंट आईपीएल जैसी कोई इवेंट हो रही हो अम्यूजमेंट पार्क के अंदर तो 28% का रेट लगेगा, लेकिन कैसिनो या रेस क्लब नहीं है तो 18% का जो रेट है वो लगेगा। अगला है सर्विसेज सप्लाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर टू ब्रांड ओनर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के का जो अल्कोहल होता है उसको बनाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जॉब वर्क जो लोग करते हैं उसके केस में क्या रहेगा, तो यहाँ पर भी हम लोग आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर। एज रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल इट इज क्लियरिफाइड दैट द एक्सप्रेशन
food and food product in their said entry exclude alcoholic beverage for human consumption. As such, in common parlance, also alcoholic liquor is not considered as a food. Accordingly, service by way of job work in relation to manufacture of alcoholic liquor for human consumption are not eligible for the GST rate of 5% prescribed under the said entry. And GST Council recommended that such job work would attract GST rate at the rate of 18%. So, जो लोग job work provide कर रहे हैं for the manufacturing of alcoholic liquor for human consumption, तो वो restaurant की category में नहीं आएंगे, 5% में वो लोग नहीं जाएंगे, उनके ऊपर 18% का रेट लगेगा। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।